दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। आज मैं हूँ अभी इंदौर पे और किसी अदर सिटी में जाने का भी कुछ प्लान बना नहीं था, तो अभी यहीं सोचा मैं कि यहाँ से थोड़ा निकलूँगा आज शाम में थोड़ा घूमने इंदौर में बाहर। तो अभी बस रेडी हो गया हूँ। ऐसा कुछ आउटफिट दिख रहा होगा, पीछे दिखाता हूँ एक बार, ऐसा कुछ आउटफिट है। अब यहाँ से निकलूँगा, बाहर निकल के देखता हूँ कहाँ, जहाँ भी बनता है जिस जगह जाने का, तो फिर वहाँ आगे का जो भी प्लान होता है फिर आपको दिखाता हूँ आगे। अभी बस पहुँच गया हूँ मैं, ये सामने फ्रंट पे अपोलो कुछ करके है मॉल, यहाँ भी मतलब कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए नहीं रहता है। अभी इस टाइम पे तो बंद हो चुका होगा। अब इधर से भी सामने से देखो तो आ गया हूँ छप्पन की दुकान इधर लगी होंगी, पार्किंग में इधर गाड़ी वाड़ी सब खड़ा कर दिया है। अब ऐसा ही है कि यहाँ से अंदर जाऊँगा, अंदर का दिखाता हूँ, मतलब यहाँ खुला रहता है। आज ऐसा है कि रात का पूरा प्लान है मेरा इधर छप्पन साइड जाना है और उसके बाद फिर सराफा साइड जाऊँगा। सराफा बुक बाज़ार भी लगती है, मार्केट जो भी जैसा बोल सकते हैं उधर, तो बस छप्पन साइड अंदर जाते हैं। इधर बाहर क्या ना कि सामने फ्रंट पे पार्किंग का इशू रहता है, इधर पुलिस वाले भी लगे रहते हैं, इधर पार्किंग सामने नहीं करने देते। अभी यहाँ से अंदर चल के ऐसा यहाँ पर बैरिकेड टाइप का लगा हुआ है, जिससे मतलब गाड़ी वाड़ी लेके अंदर नहीं आए। इधर बाहर सिर्फ मतलब बाहर इधर पार्किंग कर सकते हो, इधर अंदर आने के लिए पैदल ही रहता है ऐसा कुछ करके। यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग दिखते हैं, लोग फोटो वोटो ना खिंचाते रहते हैं। इधर क्या है कि ऐसा ये सामने से एक लाइन से इधर साइड से पूरा वो लास्ट तक दुकानें लगी हुई हैं खाने पीने की, और ऐसे उधर अरे यहाँ शायद फायर वायर पान का है, कुछ आइसक्रीम का है, मतलब यहाँ कई सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी। यहाँ अच्छा है शाम को, मतलब लोग यहाँ आते हैं, बैठे भी रहते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। ऐसा यहाँ का सिचुएशन है। अब यहाँ कुछ देखूँगा, यहाँ आसपास जो कुछ खाने पीने का रहता है उस हिसाब से, और भीड़ भाड़ अच्छा है, मतलब ऐसा वीकेंड नहीं है, नॉर्मल वर्किंग डे है, फिर भी भीड़ अच्छी खासी दिख रही है। अभी यहाँ जब आगे चल के लास्ट पहले एक राउंड लगा लेता हूँ क्या क्या है वहाँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं खाने पीने की, और यहाँ ऐसे बैठने के लिए भी प्रॉपर बना हुआ है। तो यही है इंदौर का नाइट लाइफ का, थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी होंगी वो मैं ट्राई करूँगा दिखाने का। मतलब इधर क्या कि हर एक टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, अब हर एक टाइप की दुकान है यहाँ, 56 दुकानें एक साइड हैं। ऊपर आपको नंबर भी लिखा हुआ दिख रहा होगा। इधर भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, इधर देखते जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, क्या खा सकते हैं। पहले एक राउंड लगाऊंगा वहाँ तक लास्ट तक, उसके बाद फिर लौट के देखूंगा जहाँ कुछ खा पी सकते हैं उस हिसाब से। ज़्यादा ही भीड़ है, जितना सोच सकते तो उससे ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। कुछ कुछ दुकानें यहाँ ऐसी हैं जहाँ अलग से इतनी भीड़ रहती है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक बार पूरा वहाँ से बाहर तक निकल जाऊँगा। तो देखिए जैसे एक ये है, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। इधर अच्छा बैठने के लिए बाहर मीन क्या कि बैठने के लिए भी अच्छा बना के रखा है, तो ये चीज़ें सही हैं। यहाँ लास्ट तक देखते हैं क्या है भाई। 56 मार्केट इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ 56 दुकानें हैं एक साइड, सब खाने पीने की है और सब अलग अलग आइटम इधर रहता है इनका। अभी बस लास्ट तक एक बार देख लेता हूँ जाके कि क्या कैसा सिचुएशन है अंदर का, उसके बाद फिर लौटते हुए जो भी कुछ खाने पीने की चीज़ें होंगी उस हिसाब से ट्राई करके उधर देखूँगा। यहाँ मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि मतलब बैठने के लिए पूरे फैमिली के साथ आके इंजॉय कर सकते हैं, ऐसा लोग करते भी हैं यहाँ पर। और इधर ये पीछे जो दुकानें हैं उसके फ्रंट में ऐसा मॉल वॉल करके कुछ मल्टी वल्टी वाली पूरी दुकानें मिल जाएंगी, कई सारे मल्टी भी आपको देखने को मिल जाएंगी इधर से। और सेम यही बैरिकेड टाइप का उधर इधर भी लगा हुआ है, वो चीज़ें उधर हैं वो चीज़ें इधर भी हैं। तो यहाँ से लास्ट दुकान है ये, वहाँ से लास्ट तक आ गया मैं। अब उसके बाद यहाँ से फिर रिटर्न जाऊँगा उसी साइड, और जो भी खाने पीने का कुछ रहता है तो फिर
वो करके आगे आगे फिर मिलता है। अभी बस वहाँ से स्टार्ट किया था मैं, तो वहाँ से पूरा लास्ट तक जितनी दुकानें हैं सब घूम फिर के आ गया हूँ। अब यहाँ कुछ डिसाइड करते हैं क्या कैसा खाना है। तो मैं ऐसा इधर का पूरा पीछे का लाइटिंग वेटिंग से व्यू आ रहा है ऐसा, साथ में आया था फ्रेंड के साथ में, इंदौर में ही मिली नाम है, जरा आपको दिख रहा होगा फ्रेम में। तो अभी बस कुछ डिसाइड करते हैं अपना, उस हिसाब से फिर देखेंगे कुछ खाने पीने का। तो अब बस जो डिसाइड होता है उस हिसाब से चल के आगे फिर दिखाते हैं। इधर दो तीन जगह घूम के देखा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ देर रुकना है यहाँ पे। तो यहाँ पे भैया हैं, ये शायद चना जोर गरम कुछ बनाते हैं, तो पहले सोचा कि यही बनवा के खाया जाए, उसके बाद फिर आगे का देखते हैं क्या कैसा खाने का रहता है। तो अभी भैया को बोला हूँ कि बना दो क्या कैसा। कितने बना रहे हो क्या भैया? बनाओ ना, 30 का बना रहे हो? चलो 30 का ही बनाओ फिर। तो पहले इसको खा के देखेंगे, उसके बाद फिर कुछ देर रुकना है यहाँ पे, तो फिर आगे खा पी के फिर निकलेंगे यहाँ से। तब तक यहाँ पे देख लेंगे क्या कैसा रहता है खाने के लिए। कुछ यहाँ पर रहता तो खास दिखा नहीं, यहाँ पे है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी जो मन है उस हिसाब से नहीं समझ में आ रहा है कि क्या खाया जाए। तो है तो यहाँ पे मतलब हर एक वैरायटी आपको मिलेगी, लेकिन अभी तक मुझे नहीं समझ में, जो थोड़ा अभी हल्का कुछ चीज़ें खा के उसके बाद फिर कुछ हैवी चीज़ खा के फिर आगे निकलेंगे। अभी भैया बना रहे हैं बस, उसके बाद अब आता है तो फिर देखते हैं, फिर ऐसे आपको आगे दिखाता रहूँगा। अभी ये मैं यहाँ पे चना बनवा रहा था, और इधर से ये लेके आई है इधर ये ट्विस्टर, क्योंकि तो ऐसा दिख रहा है अभी इसको खाएंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे कुछ और दूसरा आइटम। यहाँ पे भैया बना रहे हैं तो एकदम पूरा पूरा ऊपर आ रहा था इस चक्कर में, तो अब इसको खाते हैं, उसके बाद आगे जो भी चीज़ें रहेंगी खाने पीने की फिर आगे दिखाते हैं। ये तो चल रहा है, अभी यहाँ पे 156 पे सामने ही दुकान दिखी है, मतलब यहाँ पे कई सारे वैरायटी के पान हैं, तो यहाँ पे इनका भी मन कर गया कुछ खाने का, साथ में आई जो फ्रेंड लिली का। तो अभी पता नहीं कौन सा पान ट्राई करने वाली है, तो बस उसी का थोड़ा वीडियोस कुछ देखूँगा बनाऊँगा। अभी शायद तो स्मोक कुछ पान करके बोली है, तो वही बना रहे हैं भैया, दिखाता हूँ आगे और क्या कैसा रहता है इसमें। पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें मिल रही हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर। अभी भैया बता तो रहे हैं क्या कैसा करना है, इन्हें मुँह खोल के रखना है क्या कैसा करना है। तो ये था इधर का पान वाला भी, जो कई सारे पान हैं यहाँ से, फायर पान, स्मोक पान, आइस पान। कहाँ से अब कहीं और निकलने का? हाँ 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 बोलो, क्या चाहिए? तुम्हारी फ़ोटो ले लूँ उसमें? एक छोटा सा बच्चा जो पूछ रहा है, एक छोटा सा बच्चा था वो भी साथ में था बीच में बोल रहा था। तो अब यहाँ पे ऐसा है कि अब यहाँ पे मैं ब्लॉग का एंडिंग करूँगा, ऐसे ही और ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, लाइक करें वीडियो को, ऐसी और वीडियोज़ इस चैनल पे आती रहेंगी, जहाँ भी जाएंगे वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।